या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मेरा सादर प्रणाम अभिनंदन स्वीकार करें। संस्कृति की इस बगिया में आपका स्वागत है। कालरात्रि यानी अवचेतन मन की देवी, हमारे मन की वो सतह जहाँ काम क्रोध कुंठा भोग विषय ऐसे विकार जन्म लेते हैं। माँ कालरात्रि दुख के इन सभी कारकों पर लगाम लगाती है और हमारे मन को पवित्र करती है। आप कह सकते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस की देवी हैं, देवी कालरात्रि। माँ की आराधना नवरात्रि के सातवें दिन की जाती है, जो महासप्तमी पर्व के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कालरात्रि को ही काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चंडी, रणचंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि का सबसे पहला उद्धरण स्कंद पुराण में मिलता है। जब माँ चंद्रघंटा ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया, तब उनके एक सेनापति रक्त बीज ने देवलोक पर आक्रमण किया, जिससे परेशान होकर के देवता भगवान शिव के पास गए। महादेव ने देवताओं का दुख देखकर पार्वती से आग्रह किया कि वे रणचंडी का रूप धारण कर रक्त बीज का वध करें। शिव के अनुरोध पर शक्ति ने कालरात्रि का अवतार लिया, जो बहुत भयानक था। उनके शरीर का रंग कालिमा लिए हुए था, बाल बिखरे हुए थे, गले में मुंड माला थी, वे कंटक और खड़ को धारण किए थे और गर्दभ को उन्होंने अपना वाहन बनाया था। और दूसरी ओर राक्षस रक्त बीज को ये वरदान मिला था कि उसे रण में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रहार के बाद उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने रक्त बीज बन जाएंगे। माँ काली ने उससे युक्ति पूर्वक युद्ध किया और धर्म की रक्षा हेतु रक्त बीज का वध कर उसके रक्त को पी लिया। ये कथा संदेश देती है कि देवी स्वरूपा होते हुए भी माँ संसार के हित के लिए रक्तपान तक करने से नहीं चूकी। इसी युद्ध में उन्होंने मधु कैटभ और चंड मुंड के प्राण भी लिए। चंड मुंड को संहारा, मधु कैटभ का मद मारा, रक्त बीज का रक्त पीकर भक्तों का संकट है तारा। मुंडों की माल गले में डाल, जग पालनहारी चली गरज करके, वन अष्टभुजी दुर्गा रण में कर सिंह सवारी चली गरज करके। युद्ध भूमि में दैत्यों का वध करते करते माँ चंडी इतने क्रोध में आ गई कि उनके सामने जो भी आता वे उसे मार डालते। उनके रौद्र व्यवहार से दुनिया में हाहाकार मच गया। इस प्रलय को रोकने के लिए देवता फिर से भगवान शिव के पास गए और ये विनती की कि हे महादेव, आपके ही अनुरोध पर देवी ने ये स्वरूप लिया, इसलिए आप ही उन्हें शांत करें, अन्यथा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। शिव ने यह विनती स्वीकार की और स्वयं जाकर माँ कालरात्रि के सम्मुख लेट गए। काल नृत्य करती हुई महाकाली के पैर जब शिव के ऊपर अचानक पड़े तो उन्हें एहसास हुआ, अरे ये तो भगवान शिव हैं। इस अपराध बोध से उनकी जिह्वा मुंह से बाहर निकल आई और उनका क्रोध भी शांत हो गया। इसीलिए काली माँ की छवि में उनकी रक्तवर्ण जिह्वा मुंह से सदैव बाहर निकली रहती है। माँ कालरात्रि तेज और बल में वृद्धि करने वाली है और शत्रुओं का विनाश करने वाली है। नीलकंठ शिव के समान ही संसार को पाप मुक्त करने के लिए वे स्वयं विद्रूप भी हो जाती हैं। जिस तरह से श्यामल रंग में सभी रंग मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह माँ कालरात्रि सतगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। वे ये भी सिखाती हैं कि षठे षाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्ट सा ही व्यवहार करना चाहिए। नवरात्रि के सातवें दिन साधक का ध्यान सहस्त्रार चक्र यानी कि सातवें चक्र में स्थित रहता है, जो कुंडलिनी जागरण का सर्वोच्च स्थान माना गया है। माँ कालरात्रि अघोर पंथी, तंत्र विद्या के पंडित और कुंडलिनी जागरण से संबंध रखने वाले साधकों
उपासकों की भी अत्यधिक प्रिय है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लस ललोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी देवी सिंह वाहिनी रिद्धि सिद्धिदायिनी आदि शक्ति पाविनी जग की मन भाविनी देवी सिंह वाहिनी रिद्धि सिद्धिदायिनी आदि शक्ति पाविनी जग की मन भाविनी जग की मन भाविनी मन भाविनी मन भाविनी मन भाविनी सिद्धिदायिनी आदि शक्ति पावनी जग की मन भावनी जग की मन भावनी मन भावनी मन भावनी मन भावनी मन भावनी जग की मन भावनी मन भावनी मन भावनी मन भावनी जग की मन भावनी मन भावनी।